वेलकम टू आवर चैनल डिंग डोंग गर्ल्स। मैं अवनी और मैं पूजा। आज करने वाले हैं ये बिग मोमोज ईटिंग चैलेंज। एक्चुअली बाहुबली बोलना चाहिए, बहुत ही ज्यादा बड़े हैं क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एक बड़ा सा मोमोज, बाहुबली मोमोज, और ये उसके सैनिक छोटे छोटे। तो गाइज, आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे छोटे छोटे, और उनके चैलेंजेस भी बहुत सारे देखे होंगे। तो आज आप देखने वाले हो कुछ अलग, वो है बाहुबली मोमोज ईटिंग चैलेंज। और गाइज, हमने ये मोमोज नॉर्मल तरीके से नहीं, कुछ स्पेशल तरीके से बनाया है, तो मैं बताना चाहूंगी कि कैसे बनाया है। सो गाइज, हमने अपने ये बिग बाहुबली मोमोज प्रिपेयर किए थे इसमें रोबो कुक में, रोबो कुक बाय गीक कंपनी। एंड ये इलेक्ट्रिक कुकर है एक तरह से, विच मेक्स थिंग्स इजी फॉर यू। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ऑफ कोर्स आई सेड इलेक्ट्रिक कुकर है, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता। तो अगर इफ़ यू गाइस थिंकिंग के बहुत हाई वोल्टेज का होगा तो नो, नॉट एट ऑल। हमने इसमें अपने बड़े बड़े मोमोज बनाए थे। तो गाइज, ये इसका कंट्रोल पैनल है एक तरह से, तो ये इसका ऑन ऑफ बटन। और फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे राइस, राइस में आप बहुत तरीके के राइस बना सकते हो, जीरा राइस है, बिरयानी है, एवरीथिंग। फिर उसके बाद दाल छोले, एवरी टाइप ऑफ, मतलब दाल छोले में आपकी सारी सीरियल्स और पल्सेस आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये सांभर ग्रेवी, फिर उसके बाद ये खिचड़ी, खिचड़ी कोई भी टाइप की खिचड़ी, इडली, इडली में आप कोई भी स्टीम मटेरियल बना सकते हो, जो जो आपको बनाना है, मोमोज हो गए, इडली हो गया, और क्या होता है गाइस, ढोकला होता ही है, ऑफ कोर्स कैसे मिस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये सॉटे। तो गाइस, सबसे पहले जब आपको उसको, सबसे प्रोसेस सबसे पहले ये होता है कि आप इसको चालू करके इसको सॉटे पे 15 सेकंड्स का टाइमर ही खुद सेट करता है सोते पे। तो पहले इसको आपको कुकर को वार्म करना होता है, फिर उसके बाद आप इसमें कोई भी सिलेक्शन करो, जो जो आपको बनाना है उसको पहले क्लिक करो, और फिर उसके बाद यहाँ पे टाइमर खुद आता है कि आपको क्विक, मीडियम या स्ट्रॉन्ग पे कुक करना है। तो गाइज, इसमें टाइमर खुद सेट है, और टाइमर के लिए आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन इस पर मिल जाएगा क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और मैं बताना चाहूँगी कि इसमें आप टाइमर खुद भी सेट कर सकते हो, ये मैनुअल के थ्रू ऑन ऑफ करके आपने जो भी बनाना बनाया, और उसके बाद मैनुअल पे खुद टाइम यहाँ पे सेट कर लिया। फिर उसके बाद गाइस, यहाँ पे एक की वॉर्म का ऑप्शन है, जब आपका पूरा खाना बन जाता है, आपको थोड़ी देर बाद खाना है, तो आप इसको की वॉर्म पे सेट कर दो। सेट करने के बाद आपका खाना उतनी देर गर्म बना रहेगा जितनी देर बाद आपको खाना है। तो इट्स अ बेस्ट थिंग ऑफकोर्स, क्योंकि सर्दियों में तो सबको गर्मा गर्म खाना ही पसंद आता है। तो गाइस, ये हो गया इसका कंट्रोल पैनल, और ये ऊपर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, ये इसका प्रेशर रिलीज बटन है। आप इसको ऐसे आगे को पुश करके रखोगे तो इससे प्रेशर जो अंदर स्टीम बन रही होगी वो रिलीज होगी। ऑफ कोर्स जो भी आप स्टीम आइटम्स बना रहे हो तो इसको आगे को ही पुल करके रखना है, और बैकवर्ड पुल करोगे तो जो इसमें प्रेशर बनेगा वो लॉक हो जाएगा, तो जैसे चावल वगैरह बन रहे हैं आपके तो वो अच्छे से बन जाएंगे। एंड गाइस, इसमें आपको ये रेसिपी बुकलेट दिया हुआ है जिसमें आपको बहुत सारी डिशेस मिलेंगी, जिसमें आप कुछ भी बना सकते हो। वाइट सॉस पास्ता दे गया मुझे, तुम नेक्स्ट टाइम मुझे इसमें यही बना के खिलाना। ओके, जरूर अभी मैं बना के खिलाऊंगी तुम्हें। यार, मोमोज हम दोनों ने मिलके बनाए ना, तो उसकी मतलब मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, तो कुछ तो यू नो मिलना चाहिए। और गाइस, इसके साथ ये कुछ एक्सेसरीज भी आई है हमारी, आप देखिए, ये मेजरिंग कप है, और ये राइस स्पून है, और ये है समथिंग वेरी क्यूट। इससे ऑफ कोर्स जब अंदर जो यूटेंसिल्स है, मैंने खोल के तो दिखाया नहीं आपको, मैं पहले इसको खोल के दिखाती हूँ। ये तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये एरो बना है, ये एरो पे यहाँ पे क्लोज हो गया, ये यहाँ पे ऐसे घूमेगा तो ये ओपन हो जाएगा, और फिर आप इसको ऐसे खोल सकते हैं। और ये हमारा कुकर, देखिए हमने बनाया था, दिख रहा है। और ये है कि ये गर्म हो जाता है तो आप इसको ऐसे आराम से उछाल सकते हैं जैसे कि गर्म ना लगे। और इसके अंदर अगर आप जैसे इडली बना रहे हैं या कुछ मोमोज बनाए हमने, तो जैसे कोई बोल रखा है तो उससे भी आराम से इसको पिक कर सकते हैं, और आप इससे आराम से बात भी कर सकते हैं अकेले में। अकेले में हाउ यू डूइंग। ओके, तुम बैकग्राउंड साउंड देना, ठीक है, बोलो हेलो। तो गाइस, अगर आपको हमारा ये रोबो कुक पसंद आया हो, क्योंकि हमें तो बहुत पसंद आया, यूज करने में भी बहुत मजा आया, एंड इट वॉज वेरी इजी टू यूज, तो अगर आपको पसंद आया है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसके बारे में और जान सकते हैं, और वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। और गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक कोड भी दिया, अगर आप वो कोड यूज करके इसको परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी अवेल हो जाएगा, दैट्स अ ग्रेट थिंग ऑफ कोर्स। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने चैलेंज की तरफ, जिससे कि हमारे मोमोज जल्दी से ठंडे ना हो जाएं।
तो गाइज जैसे कि आपको पता है कि ये होगा चैलेंज टेस्टी सा, उसके बाद मिलेगी पनिशमेंट। तो गाइज पनिशमेंट देखने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। और हाँ गाइज, उससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना चैनल को, जिससे कि हमारी ये डिफरेंट चैलेंजेस आपसे मिस ना हो और उनकी एक्साइटिंग पनिशमेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से, 3 2 1 गो। मेरे को ना बहुत शांति मिल रही है, मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा इतने बड़े बड़े मोमोज खाने के बाद, अब मेरे पेट में उतर गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी बहुत ज्यादा जाहिर करना चाहती हूँ। थैंक्स मिर्जा, तुमने मुझे जिता दिया। मैंने नहीं जिताया, मैं मतलब पूरा अच्छे से खाने की कोशिश की, बट वो बहुत ज्यादा बड़े थे मोमोज, हेवी थे ना। यस, मेरा पेट अभी भी ऐसा हो गया। बिग मोमोज, बिग मोमोज। हमारे ना चैलेंजेस कर करके हमारे पेट विल टर्न इनटू बिग मोमोज, बिग बर्गर। तो गाइस इट वाज टेस्टी मोमोज, क्योंकि मैंने बनाए थे। ऑफ कोर्स हमने बनाए थे, पूजा ने नहीं बनाए थे, हमने बनाए थे, मैंने बनाए थे। गाइस हमने ऑफ कोर्स साथ में मिलकर बनाए थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे और बहुत सॉफ्ट और बहुत ज्यादा हमने फिलिंग्स में गाइस पनीर सोयाबीन की सोयाबीन चंक्स पत्ता गोभी अनियन लहसुन अदरक इन सबको मिला के हमने उसकी अंदर की फिलिंग्स बनाई थी और वो बहुत ही ज्यादा यम्मी बनी थी और बहुत ही हैवी भी। तो पूजा सबसे पहले हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे गाइस पूजा के दांतों पे। मेरे दांत ही क्यों? मैं बताती हूँ ना, यू नो वी विल यूज दिस क्रिएटिविटी। ओके तो पूजा ये देखो, एक तो तुम्हारे दांत और ऊपर से ये वेजीज पकड़ो इसे। तो गाइज ये है पिंक कलर की लिपस्टिक जो थोड़ी सी खत्म है, एक्चुअली पूरी खत्म है, बट पिंक चाहिए थी हमें तो अभी काम आ जाएगी। मैं पनिशमेंट बता रही हूँ यू नो गाइज, जस्ट चिल। तो मेरे को भी तो बताओ क्या कर रही हो। पहले पिंक करें, पहले तुम्हारे लिप्स को पिंक करेंगे, तुम्हारे मुंह को थोड़ा सा पिंक करेंगे। वो बाहर क्यों लगा रही हो? बाहर भी लगाना है जिसे पता चलना चाहिए। तो बताओ तो सही, क्या बता रही हूँ पूजा, हैव पेशेंस। ये मैंने थोड़ा सा, मैंने इतनी प्यार से लगाई थी लिपस्टिक, सारी खराब कर दी यार लड़की ने। यार मैंने पूरा पिंक मुंह कर दिया था।
मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है गाइस। ओके ये हो गया पिंक रेड्डी। तो गाइस अब मैं बताना चाहूंगी कि पूजा को एक्टिंग करनी है रैबिट की। हंस लो पूजा, मतलब मैंने बंदर नहीं बनाया तुम्हें, रैबिट बनाया। रैबिट इज सच अ ब्यूटीफुल क्रिएचर। और पूजा बिल्कुल खरगोश की तरह एक्टिंग करनी है तुमको, तुम्हारे दांत अंदर नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही खाना जैसे खरगोश खाते हैं, और हॉग भी बिल्कुल वैसे ही करो, जल्दी करो, और खाना भी है बीच में, सिर्फ हॉग भी नहीं करते हैं ना, बिल्कुल खरगोश की जैसे दांत चलाओ। चलो गाजर का हो गया, धनिया के बारे इसमें भी जम कर ऑफ कोर्स। मेरा खरगोश खाता है मेरा घर का खरगोश। खाने को तो ठीक है, पर ये कूदा क्यों रहे हो? क्योंकि खरगोश करता क्या है कूदने के अलावा, वो तो दौड़ता भी है। शुक्र बनाओ मैं तुम्हें दौड़ा नहीं रही हूँ। ओह माय गॉड, आज पूजा की पूरी एक्सरसाइज हो गई खरगोश एक्सरसाइज। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक जगह बैठ जाओ कोने में बस, और खाओ खरगोश की तरह। ये लो दांत, तुम्हारे दांत क्यों अंदर जा रहे पूजा? दांत दिखाओ हमें, मेरे को काट मत लेना, दांत दिखाओ अच्छे से। वेरी गुड। अब पूजा वहां से लेके वहां तक आओ मेरे पीछे पीछे जल्दी भाग के। तो गाइस आई होप कि आपको ये हमारा बाहुबली ईटिंग मोमोस चैलेंज पसंद आया हो, और हमारी ये प्यारी सी, सॉरी मेरी प्यारी सी खरगोश वाली पनिशमेंट करके भी दिखाओ। आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल मत भूलना गाइस, नहीं तो मिस हो जाएंगे हमारे ये डिलीशियस चैलेंजेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।